To watch more of Bollywood entertainment, download Shemaroo Me app now. Your turn. Yes, sir. Beautiful. जिस तरह बॉल को पॉकेट किया है उस तरह घनश्याम को पॉकेट क्यों नहीं करता रे? कोशिश तो 6 महीने से कर रहा हूं जोसेफ साहब, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। वो कमबख्त हाथ ही नहीं धरने दे रहा है। हिजड़े के बाप एक बात मत कर यार, घनश्याम को अपने हाथ में आने से मांगता है। अगर एक बार वो अपने हाथ में आ गया ना तो गवर्नमेंट के बजाय अपने लिए नोट छापेगा और अपन घर बैठे बैठे अमीर हो जाएगा। उसको मिनट से 1200 रुपए मिलता है ना? 1200। अपन उसको 12000 देगा। 12000। जैसे ही बॉल पॉकेट हुआ ना, हाँ, वैसे चेक दिन वो भी पॉकेट में आ जाएगा। कल दिवाली का दिन है ना? है। और दिवाली के दिन जुआ खेलना गुड लक माना जाता है। बिल्कुल। तू कल उसको लेके अपने दोस्त रघु के क्लब में चला जा। फिर जो कुछ होगा सब तेरी आंख के सामने होगा। क्या हो पहाड़ी बकरे? सुशील ये तुम लो, ये तुम लो चंदा। अरे ये रही। ये फुलझड़ी कैसी है बड़े भैया? बिल्कुल मेरी चंदा जैसी। मेरी तरह ये भी नहीं देख सकती क्या? तुम एक दिन जरूर देखोगी चंदा। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब डॉक्टर बनकर अपनी बहन की आंखें ठीक करूंगा और मैं ढेर सारे फुलझड़ियां लाऊंगा और हमारी चंदा सब जलाएगी, है ना बड़े भैया? बिल्कुल ठीक। तुम दोनों फुलझड़ियां घुमाओ, मैं जाकर वो अनार जलाता हूँ। चंदा! रवि! क्या हुआ? क्या हुआ रवि? क्या हुआ रवि को? सवाल बाद में करो, पहले बनाओ ला। क्या हुआ बड़े भैया को? अरे क्या हुआ घनश्याम, क्या हुआ रवि? चंदा की बांधी हुई राखी चंदा को बचाने में चल गई। अब देखो ना ये निशानी इसकी कलाई पर जिंदगी भर रही, अपनी बहन की राखी बनकर। ओ भाई साहब मैं डॉक्टर को लेकर। अरे नहीं यार, इसे तकलीफ हो रही है, आप लोग बातें कर रहे हैं, जल्दी से। अरे भाभी बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, इसको क्या तकलीफ होगी, चल बेटे। अंकल तुम्हारे ये गर्दन पर भौरा बैठा ही रहता है, कभी उड़ता ही नहीं। देखा भाभी, अभी अभी हाथ जला है लेकिन शरारतों से बाज नहीं आता, मेरे मत्से को भमरा कह रहा है। आओ यार शंभू बैठो। क्यों प्यारे? हाथ ला रे लेकिन। बाय द वे भाभी एक बात तो बताइए। कहिए क्या बात है? वो दिवाली में बच्चे तो पटाखे और फुलझड़ियां छोड़ लेते हैं, बड़े क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं। उसके बाद? बच्चों को रोशनी दिखाने ले जाते हैं। और उसके बाद? तो तुम ये कहलवाना चाहते हो कि जुआ भी खेलते हैं? भाभी है बहुत समझदार। अरे भाई रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और फिर दिवाली की रात में जुआ खेलना तो बहुत बड़ा पुण्य है भाभी। तो ठीक है जाओ खेलो जुआ। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। मेरे कहने से जा रहे हो? शंभू भैया को इशारा मैं कर रही थी। कौन सा इशारा भाई? अरे वो भी कोई इशारा है? इशारा तो वो था जो शादी से पहले तुम्हें छत पे खड़ी देख कर किया करता था। जी? अब जाते हो या ना करूं? अब फूट ले भैया। अच्छा चलता हूँ। जाम भाई तुमने तो भाभी और बच्चों की तस्वीर चूम चूम के सबके दिवाले निकाल दिए। अच्छा टशन किया इसने, हमें तो छक्का बना दिया। रघु तुम्हारी डील है। आज तो तख्त या तख्ता, ये 100 रुपया ब्लाइंड। है तेरी की, आज अपना लक नहीं है भैया, बिल्कुल इनसे टक्कर नहीं ले सकता कोई। 100 रुपया ब्लाइंड। अपने भी नमस्ते जी। ये 200 ब्लाइंड। अच्छा तू यहां क्यों खड़ा? साहब आपके सिगरेट। चल यहां से। जी ये 800 की चाल। ठीक है भाई एक चांस हम भी ले लेते हैं।
ये 1600 की मेरी चाल। ओ हेल, पैसे नहीं है यार मेरे पास। मेरे पास हैं ये थोड़े से। पैसे खत्म हुए तो क्या हुआ, घर पे खूबसूरत जवान बीवी जो बैठी है, लगा दो उसे दांव पे। अरे इसमें हर्जी क्या है, पांडव ने भी तो अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया था। मैं तेरा अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है। घनश्याम ये तुमने क्या किया, क्या किया तुम? घनश्याम तुमने मेरे गला में खून कर दिया। पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, नहीं। अरे घनश्याम ने किसी का खून कर दिया। रवि रवि तेरे पिताजी ने किसी का खून कर दिया। तेरी माँ कहाँ है, तेरी माँ कहाँ? माँ माँ पापा ने किसी का खून कर दिया। मुंह चले, क्या बकवास करता है। ये ठीक कहता है भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो खूनी नहीं तो फिर भागा क्यों? मैंने अपनी आंखों से उसे स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा है। माँ फिक्र मत करो, मैं अभी पापा को लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी भाभी धीरे रखो, भाभी भाभी धीरे रखो, धीरे रखो। पापा जी क्या बात है बेटे? अरे अरे जल्दी जल्दी क्यों उतर रहे हो, मरना है क्या? चलो अंदर। अबे हो यहाँ कैसे आया तू? डीसी बाहर है, मेरे पास टिकट नहीं। टिकट नहीं है तो तुम फिक्र मत करो, तुम इधर आके बैठो, तुम्हारा टिकट मैं निकालूंगा। ये लेके बाहर चलो, मैं बाकी का सामान लेके आता हूँ। और ये लो तुम्हारा टिकट। तुमने बताओ, मैं बाद में सब कुछ बताता हूं सर, पहले मुझे बचा लीजिए प्लीज। ठीक है छुप जाओ। वेल डन बॉयज, वेल डन। शिकार कहा का बिल्कुल सही किया है तुमने। अब ये पुलिस की वर्दी उतार दो, कहीं असली पुलिस ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ नसीब ले जाए। बड़े भैया जी, पापा जी कब मिलेंगे माँ? यही पता होता बेटी तो हम लावारिसों की तरह दर दर की ठोकरें क्यों खाते। अरे भाई बस रुको, अरे बजम के साथ बस रुको, आइए भाई साहब।
आया। अच्छा बेटा तुम यही बैठो, हम आते हैं। चलो बेटी। मैंने आसपास के तमाम गांव छान मारे सर, लेकिन बच्चे की मां और बहन का कहीं पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो सर। अल्लाह रहम करे इस मासूम पर, रो रो के अपने आप को हलकान कर डाला है इसने। एक बात कहूं, मानेंगे आप? फरमाइए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे ही जिगर का टुकड़ा हो। क्यों ना इसे हम अपना बेटा बना ले। और अगर इसकी मां मिल गई तो? मैं एक औरत हूं, दाया नहीं जो किसी मां की गोद उजाड़ दूं। वो आएंगी तो उनकी अमानत उन्हें लौटा दूंगी। देखिए बेगम, ये आपके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आज से सुशील हमारा बेटा और वारिस। मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, मर्द हो मर्दानगी दिखाओ। जिंदा रहने के लिए कई स्वांग रचाने पड़ते हैं। इधर देखो, मैं लंगड़ा नहीं हूं, ना ही ये दाढ़ी मूछ असली है और ना ही मेरा नाम त्रिपाठी। मेरा नाम जोसेफ है, जोसेफ। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? वही जो तुम आज तक करते आए हो। तुम गवर्नमेंट के लिए नोट छापते हो ना, आप हमारे लिए छापो। नहीं, मैं गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। और खून करना तो कानूनी काम है ना। जैसे घनश्याम, आज तुम जिंदगी और मौत के दो राय पे खड़े हो। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत। किधर जाना है यह फैसला तुम्हें आज और अभी करना पड़ेगा। जिंदा रहोगे तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे कभी ना कभी मिल जाएंगे, और अगर दौलत होगी तुम्हारे पास तुम दुनिया की हर खुशी उनके कदमों में निछावर कर सकोगे। दुनिया के हर गम का इलाज पैसा है घनश्याम, पैसा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें दौलत बीवी बच्चे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं तो मुझसे कहो, मैं खुद तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, आप जो चाहेंगे करूंगा। दैट्स इट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, दैट्स व्हाट आई वांट। आज घनश्याम मर गया, उसकी जगह विक्रम सिंह ने ली है। विक्रम सिंह हो तुम आज से? विक्रम सिंह, तुम राजाओं की तरह जिंदा रहोगे, शहंशाहों की तरह मरोगे। तुमका फर्नीचर बनावाए आवत है? जी हाँ। कहाँ से करे हो? जेल में। जेल में? पर मैंने चोरी नहीं की थी। अबे ससुर चोरी नहीं किए रहे तो का सौकारी में अंदर गए रहे? चल चल फूलिया से। अरे मैं कह रहा था और ट्राई मत मार, कब तक ऐसे धक्के खाते रहेगा तू? एक बार जो जेल चला जाए ना उसे दुनिया हमेशा चोर ही समझेगी। तू ठीक कहता है मुरली, कोई बात नहीं, दुनिया जो समझती है वही सही। लेकिन एक बात याद रख, जिस कुत्ते जाड़िया ने मेरे माँ बाप भाई बहन से मुझे जुदा किया, जिसने मुझे दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए चोर बना दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक ना एक दिन उसे मेरी बर्बादी का बदला जरूर चुकाना पड़ेगा।
कमाल है, इतनी बड़ी सिगरेट पैक थी। बनाव बत्तियां हटो काहे को झूठे, आ बनाव 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 बत्ती ऐसा आंखे फाड़ फाड़ के हमरी और कहा देखत है री? अबे ओ चिकने, हम देखत नहीं सुनत है। तू तो कितना अच्छा गाता है री। क्या तेरी माँ बाप पेचू बावरा के पड़ोस में रहती थी? कहा बकत है री? हम बकत है कि तू कितना अच्छा गा रहा है मेरे चिकने। अबे तू तो हरामी लगत है। हरामी होगा तेरा पाप। अबे सुअर के रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। यार अभी बता रहा हूँ, पैगले, अबे साले, पैगले, अबे रुक जा, मैं कहता हूँ। सुअर का बच्चा, ससुरा कहेगा। अरे वो देखो लड़का मेरी बैगले का भाग रहा है, पुलिस। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं बर्बाद हो गया। ताकत? अरे यही तो ताकत है, आओ चलो। अरे मोटू क्या बात है, इंस्पेक्टर साहब इस वक्त? मुरली बाबू, इंस्पेक्टर साहब ऐसी खबर लाए हैं जिसे सुनकर आपकी भी मुरली बन जाएगी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आप कौन साहब? हाँ हाँ मैं जानता हूँ आपकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन ये कोई वक्त है आने का? क्या टाइम हुआ? रात के 2 बजे हैं। एनीवे फरमाइए क्या बात है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन हम लोगों की भी कुछ मजबूरी है। ताकत नाम का लुटेरा आपके बंगले में घुसाया है। अंदर घुसाया है तो बाहर निकालिए उस कमबख्त को। इंस्पेक्टर साहब इस घर की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद रहते हैं, इसलिए क्या नाम बताया आपने? ताकत। हाँ ताकत। ताकत का इस घर के अंदर घुसना तो नामुमकिन है, फिर भी सेफ्टी के लिए जरा तलाश करना जरूरी है। रात के 2 बजे आपके पास सर्च वारंट है? मुरली तुम कैसी बातें करते हो, हमें पुलिस के साथ हमेशा को ऑपरेट करना चाहिए, आफ्टर ऑल ये हमारे माई बाप हैं। इंस्पेक्टर साहब आप मुरली के साथ जाके तलाश कर सकते हैं। चलिए। नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा, मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है? इंस्पेक्टर साहब जो साथ में है। इसीलिए तो ज्यादा डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बकते हो? मतलब ये कि जब ताकत का पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो हम किस खेत की गाजर हैं? गाजर नहीं मूली। अरे जान पर जब बनी हो तो गाजर मूली में फर्क नहीं लगता। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जाके मोटू के साथ तलाश कर लीजिए। थैंक यू कुमार साहब। क्या बे आकड़ क्यों रहा है, ये क्या होता है? कुमार साहब आप ठीक ही फरमा रहे थे, जब आपकी सब खिड़कियां दरवाजे बंद ही हैं तो उसका अंदर आना मुश्किल है। लगता है वो आपके बंगले के पीछे की दीवार फांद कर भाग गया है। आई थिंक यू आर राइट इंस्पेक्टर। एनीवे वी विल सर्च हिम आउट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट मिस्टर नाइट ड्यूटी। हाँ, देखा अकेले जाने का नतीजा। मेरी तरह ये भी नहीं देख सकती क्या? तुम एक दिन जरूर देखोगी चंदा, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब डॉक्टर बनकर अपनी बहन की आंखें ठीक करूंगा। मैंने तो बात तो मियां देखी है चंदा, अगर तेरी किस्मत में रोशनी नहीं है तो भगवान तुझे मेरी आंखें दे दे। ए अंधी उठ यहां से, तेरी मां कहां मर गई? रधिया, ओ रधिया। मालकिन रधिया नहीं, मेरी माँ का नाम राधिका है। चुप रह, आंखें तो ऊपर वाले ने ले ली,
जबान मैं काट दूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ मालकिन, क्या किया इसने? इससे कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारी कारस्तानी तेरी है, इसे यहाँ क्यों भेजा? फर्श साफ करने। फर्श साफ करने या मेरा सफाया करने? इसे यहाँ भेजकर मेरे पति पे डोरे डलवा रही है। आप मेरी अंधी लड़की के बारे में ऐसा कह रही है? अब मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं। 5 रोज काम किया है, ये ले 5 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। दया करो मालकिन, हम बेसहारों का सहारा न छीनो। अरे निकलती है या धक्के मार के निकालो। चलो यहाँ से, अब और नहीं रहा जाता। चलो अरे मैं आया, तू बाहर। अरे मैं, तू कौन है? क्या मैं अंदर कैसे घुस आया? मुंह काला कर अपना, नहीं तो पुलिस वाले मार मार के तुझे नीला कर देंगे। जानता है ये पुलिस कमिश्नर चला के क्या किया करे? जाने कौन बदमाश मेरे कमरे में घुस आया है, मुझे बताइए, बताइए मुझे, बताइए। ये नहीं बचा सकती, इन्हें बेगम के डरने का नहीं है कोई। बेगम तुम्हें नहीं बचाने से। ये देखो। अरे बेटा, दुल्हन मरे, ऐसे में क्या शरारत? तुम दोनों बाप बेटे मिलके तो मेरी जान ले लोगे एक दिन। हाँ अरे अम्मी जान, जान जाए आपके दुश्मनों को। आपको मालूम नहीं आपके बेटे ने IPS का इम्तिहान पास कर लिया? हाँ भाई, तुम्हारे साहबजादे DYSP क्राइम ब्रांच हो गए। अरे अरे ये क्या कर रहा है? के कदमों के नीचे जन्नत होती है ना, उसे ढूंढ रहा हूँ पिछले 15 मिनट से। आबू, अरे बेचारे का कान तो छोड़ दो। माता जी को दुआ मांग कि मालिक तुझे हर आफत और मुसीबत से बचाए। ओहो, मेरे शॉट का सत्यानाश कर दिया। ज्यादा लगी है क्या? नहीं नहीं ठीक है। और तू इधर कहाँ से हमारा कमबख्त? कमबख्त नहीं, दौलत बख्त कहो, दौलत बख्त। एक खास खबर लाया हूँ। अच्छा। सेठ धर्मदास के यहाँ 2-1 दिन में 2 करोड़ के हीरे पहुंच रहे हैं। उसके घर का नक्शा सड़ी किया? नक्शा तो सड़ी किया, लेकिन एक दिक्कत है, एंट्री जरा मुश्किल लगती है। उसके यहाँ कोई लड़का या लड़की है जिससे दोस्ती की जा सके? नहीं, लड़का लड़की कोई नहीं, शादी नहीं की उसने, लेकिन हाँ उसकी एक भतीजी है जो शौकिया तौर पर रेडियो पे गाती है और एक संगीत स्कूल चलाती है। क्या नाम है उसका? गीता। गीता, वो गाड़ी दिख रही है ना, उसी में। अरे अरे देखो बेचारे को मार गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। देश पर सड़क क्रॉस नहीं करते, अंधे हो क्या? अरे वो तो बेचारा अंधा है, लेकिन तोहे ना ही दिखाई पड़त, आंखें हैं के बटन। नहीं 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 नहीं, इनका अपमान ना कीजिए, भूल मेरी है, क्षमा करना मुझे। अरे अरे सुरदास जी, कहीं चोट तो नहीं आई ना? कौन, शीतला प्रसाद जी? हाँ हाँ, हम वही बोलत रहे, हम तो चौराहे पे चना बेचत रहे, अगर रास्ता पार करना था तो हमका बुला लिया होता। चला बैठ। क्या हुआ? गरम है। अच्छा, वो अंधे का सहारा कहाँ है भैया? लीजिए। धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहाँ जाना है? यही कहीं संगीत विद्यालय है, वहाँ गीता देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। आप उसे जानते हैं? जी जी हाँ, जब से आकाशवाणी केंद्र से उनकी मधुरी रसीली आवाज सुनी है, तब से उनके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। अगर उनकी कृपा हुई तो अपने जीवन के बाकी क्षण उनके संगीत विद्यालय में बिता दूंगा। सुरदास जी चला, हम पूछताछ करके तोके हुआ पहुँचा देते हैं। चल, आप क्यों कष्ट करते हैं? सुनिए जी, जिसके पास आपको जाना है मैं वही। क्या देवी जी, आप दिल लगी तो नहीं कर रही हैं संदे से? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, गीता मैं ही हूँ। हे पिता परमेश्वर, बड़ी कृपा है तेरी, मैं धन्य हो गया जो आपसे भेंट हो गई। देवी आपके चरण कहाँ हैं, मैं उन्हें छूना। अरे 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 नहीं नहीं, वो सुरदास जी मैं म्यूजिक हॉल ही जा रही हूँ, आइए मेरे साथ। धन्य हो देवी, बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। आज तो ही चना गरम करके छोड़ेगा, चन्ना जोर गरम। 1, 2, 3, 4, 5. गाइस गाइस, हाय गीता। हाय गीता, कैसी? कम है, कम कम,
आप सूरदास हैं, हमारे स्कूल के नए मेंबर। नमस्कार। आपको संगीत से बहुत लगाव है। लगाव नहीं देवी जी, मैं तो संगीत का पुजारी हूँ। मेरा ओढ़ना बिछोना ताल और सुर है। यह अमावस का अंधेरा जो मेरे चारों तरफ छाया है, इसमें संगीत की लय ही चंद्रमा की किरण बनकर मुझे राह दिखाती है। क्या बात है। चलिए आइए। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। गाता भी हूँ देवी जी और बजाता भी हूँ। रहा अच्छे बुरे का प्रश्न, वो तो बजवा के तय कर लेना। क्या क्या बजाते हैं आप? आप जो बजवाना चाहेंगी, सितार, सारंगी, जल तरंग, मृदंग। तबला बजाएंगे? तबला वो भी बजा देंगे, लेकिन चाटी सुर में होनी चाहिए। अच्छा तो चलिए आओ बैठे, जरा संभाल के। बहुत अच्छा बजाते हैं आप। संतुष्ट हो गई तो मैं धन्य हो गया। आप बहुत गुणी हैं। संगीत के अलावा भी आप किसी और चीज में दिलचस्पी लेते हैं? दिलचस्पी? जी हाँ। किस में? भगवान ने नैनों की ज्योति छीनकर मन की ज्योति को जला दिया है। आवाज सुनकर मैं मनुष्य की काया के विषय में बता सकता हूँ। अच्छा तो बताइए मैं कैसी हूँ। जरा मेरे निकट आओ देवी। लो आ गई। आप बताइए मैं कैसी हूँ। कजरारे नैन ना लेने दे चैन, गदराया बदन चेहरे पे फबन, सेब जैसे गाल ऊपर से लाल लाल। अब तुम आओ। सूरदास जी अब मुझे तो ये बनावटी अंधा लगता है, जरूर कोई ड्रामेबाज है। अच्छा अभी पता चल जाएगा। हॉल के साथ जो नया विंग बन रहा है ना, वहां ले चलते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो चले। लगता है मुझे चलना चाहिए। अच्छा देवी जी मुझे आज्ञा दीजिए। सूरदास जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, चाय का वक्त हो गया, चलिए चाय पीते हैं। जी नहीं काफी समय हो गया, अब तो मुझे नहीं, जाना चाहिए। अब तो आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। चलिए। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shemaroo Me now.